होली का त्यौहार आते ही चेहरे भी रंगों की तरह खिल उठते हैं। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के राणा प्रताप बाग इलाके में। यहाँ पर भी लोग अपनी अपने अंदाज में होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ लोगों से किस तरह से वो होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और ऐसे मौके पे सब लोग आपसे मिलजुल कर रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करें, यही मेरा संदेश है। संदेश बड़ा साफ और स्पष्ट है कि इस होली के रंगों के त्यौहार पे मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी के लिए यह होली का जो त्यौहार है बड़ी अच्छी अच्छी रंग बिरंगी खुशियाँ लेके आए, यही मेरी शुभकामनाएँ होली के लिए। संदेश ये है कि सभी देशवासियों को और सभी जो हमारे प्यारे देशवासी हैं और जो भाई बहन हैं, उनको हमारी तरफ से और होली के अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। और हम तो यही चाहते हैं कि सारे जो आपस में मिलजुल के रहें, और उनको हमारी तरफ से ढेरों ढेरों होली क्षेत्रवासियों को, बड़ों को, छोटों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। अपने और अपने परिवार की तरफ से होली मंगलमय हो। मैं सभी को ये प्रार्थना करूंगा, होली रंगों का त्यौहार है, इसे खुशी से मनाएं, सौहार्द से मनाएं, नशे से दूर रहें, छोटों को बड़ों को एक दूसरे को आदर सम्मान के भाव से होली खेलें। आपको बहुत बहुत बधाई, व्यापार मंडल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। दीप चोपड़ा, गुडलक एस्टेट्स, किराना प्रताप बाग की ओर से सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि ये पूरा देश एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, एक दूसरे से सद्भावना रखे और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखे। लोगों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और यही संदेश दूंगा कि होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से और खुशी से मनाएं। चोपड़ा, गुडलक एस्टेट्स, राणा प्रताप बाग, अपनी ओर से सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से और साक्षी ज्वेलर्स की तरफ से तो एक तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि सभी की होली मंगलमय और